अभी तक ये टेडी बेयर लेके सोती है? नहीं 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 मैं नहीं सोती। चल झूठी। अरे तुम लोग को याद है बचपन में जब स्लीप ओवर करते थे और अनु को लगता था कि बेड के नीचे भूत है? हाँ हाँ, और वो यही टेडी बेयर को हक करके गाना हम करने लग जाती थी। यार अब जो मैं मजाक मत उड़ा, ये टेडी बेयर ना मुझे मदद करता था जब मेरे को डर लगता था। आप मजाक मत उड़ा। अरे आयु हाँ? ये देखो मैंने दिवाली के लिए स्वीट बनाया, इसको तो तुमने ट्राई नहीं की। अरे आंटी आप ऐसी कोई चीज बनाओ मैं ट्राई ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? देखो मैं अभी ट्राई करती हूँ। आंटी तो बहुत ही ज्यादा यम्मी है। आंटी दिवाली के लिए मुझे एक पूरा डिब्बा भर के ये दो ना, मैं और मेरा पूरा परिवार हम सब खाएंगे। हाँ बाबा मैं दिवाली में ना तुम्हारे लिए पूरा डिब्बा भर के बनाऊंगी। हाँ आंटी। और आंटी एक्चुअली ना आपको तो एक बिजनेस ही खोल देना चाहिए जिसमें आप यही स्वीट्स खुद अपने हाथों से बना के बेचो। और वैसे भी दिवाली सीजन चल रहा है तो बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी और मैं ना आपकी नंबर वन कस्टमर रहूंगी। तुम लोग ना बेकार में इतनी तारीफ करती हो। हाँ मम्मी कितना अच्छा आइडिया है। हाँ आंटी, और आपको लगता है क्या कि मैं आपकी झूठी तारीफ करूंगी? और सच कहूँ ना आंटी तो मैं इस घर में ना अनु से मिलने नहीं आती, आपसे मिलने आती हूँ। आखिर आप सबको पता ही है मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ अनु। हाँ मम्मी तू मुझसे मिलने नहीं आती, तू इधर क्या कर रही है? जा निकल घर से। ओए ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगी कि आयु जाएगी या रहेगी। आयु तो सैंडविच खा के ही जाएगी। यस आंटी। ये क्या मम्मी आप आयु के साथ टीम अप कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ मम्मा, आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, अपनी खुद की बेटी से या तो आयु से? अरे ये भी कोई पूछने की बात है आयु। आयु ना आयु तो मेरी मम्मी मुझे छीन रही है। हा? अरे अनु तो मेरी BFF है ना, तो चल मैं तुझे माफ कर देती हूँ हमारा हैंडशेक डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन तू और मैं दोनों जानते हैं आंटी की फेवरेट मैं ही हूँ। मम्मी पापा तो एक घंटे बाद आने वाले थे ना? हाँ बेटा बोले तो थे। अच्छा एक काम करो तुम लोग आवाज मत करना, यहीं बैठी रहो मैं देखती हूँ ठीक है? आप इतना डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं बेटा तुम लोग आवाज बिल्कुल मत करना। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? आंटी आप तो एक घंटे बाद आने वाले थे ना? चुप, ज्यादा नहीं बोलने का, मेरा घर है, जब मेरा मन करे जब मैं आऊंगा। छोटी कहाँ है? पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई। जा मेरा खाना लगा। I will explain ट्रस्ट की बात थोड़ी है, मैं तो तुझे बहुत पहले से ही बताना चाहती थी लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अनुष्का हम लोग बचपन से दोस्त रहे हैं, यू नो यू कैन टेल मी एवरीथिंग राइट? आयु तूने तो कल देख ही लिया, माय डैड इज अ रेजिंग अल्कोहलिक। लेकिन अनुष्का बचपन से ही मैं तेरे घर आती थी खेलने, तब तो अंकल भी हमारे साथ खेलते थे, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकते थे। वो हमेशा से ऐसे थोड़ी थे, जब से कंपनी का लॉस हुआ ना तब से पापा को अल्कोहल पीने की बहुत बुरी आदत लग गई, दिन ब दिन वो बिगड़ते गए। मुझे अभी भी याद है उनने पहली बार मम्मा को कब मारा था, 12 जनवरी उनका उस दिन बर्थडे था, उनने एक ही पल में
एक अच्छे से दिन को बुरा बना दिया। पहली बार थोड़ा मुश्किल से मम्मा को उन्हें फॉरगिव करना, लेकिन उन्हें फॉरगिव कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे ना उन्हें ये रूटीन बना दिया। रात को आते थे, पीते थे, मम्मा को बहुत मारते थे और अगले दिन माफ़ी मांगते थे। लेकिन अनुष्का, इफ इट्स दैट बैड, तो आंटी ने कभी उन्हें छोड़ा क्यों नहीं? इट्स नॉट दैट ईजी आयु। मैं मम्मा को कितने बार बोली हूँ पापा को प्लीज़ छोड़ दो, लेकिन वो कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। उन्हें कभी रीज़न भी नहीं बताया। मुझे लगता वो इसके लिए नहीं छोड़ पाई क्योंकि उनको मेरी चिंता थी कि मेरा फ्यूचर बिगड़ जाता। लेकिन अनुष्का, यू कैन फाइल अ केस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस ना। आई एम हियर फॉर यू। मेरी फैमिली भी तुझे सपोर्ट करेगी, यू नो दैट। हाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मा को अभी भी वही लगता है कि वो पापा को सुधार सकती हैं, कि पापा पहले जैसे हो जाएंगे। बट आयु, बहुत सारे साल हो गए, पापा ना बिगड़ते जा रहे हैं। तू बस किसी को बताना मत आयु। ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुझे कुछ भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कम टू मी अनुष्का। चल अब घर चलते हैं, स्कूल खत्म हो गया। आज उसने फिर से मारा था तुम्हें? इसमें कौन सी नई बात है माँ, ये तो हर रोज का हो गया है। आजकल तो अब आए दिन हाथ भी उठाने लगे हैं। मैंने तो इतना दिन झेल लिया माँ, लेकिन अब अनु बड़ी हो गई है, अनु पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं सोच रही थी माँ, जब तक ये सुधर नहीं जाते तब तक आपके पास ही रहूं और अनु का भी मूड अच्छा हो जाएगा। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम इस तरह से यहाँ आओगी तो लोग क्या कहेंगे, हमारी कितनी बदनामी होगी। नहीं बेटा, ये सोचना भी मत। और किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम घर छोड़कर चली आओ। अब वही तुम्हारा घर है, मैंने तो अच्छा सोच के किया था। अब तुम्हारा नसीब ही खराब है तो क्या करूं? देखो, जैसा भी है वही तुम्हारा घर है। जी माँ। अरे आ गई बेटा। मम्मा प्रो मत। मम्मा मम्मा, आपको याद है ना आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल से आ जाऊंगी तब हम लोग दोनों मिलके ना पूरा घर का दिवाली डेकोरेशन करेंगे। तो मम्मा अभी आप रो मत, अच्छा मूड लाओ, स्माइल करो और फिर हम दोनों मिलके पूरा घर को डेकोरेट करते हैं। मैं बस कपड़े बदल के आती हूँ। ओके ठीक है, जाओ तुम तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी। देखते कैसा आया। हाँ, ये लो। वाह मम्मा, ये कितना प्रिटी लग रहा है, हमारी मेहनत काम लाई। सही कहा तुमने, इतनी मेहनत की है तो अच्छा तो लगना ही है ना। मम्मा आपको हमारी डील याद है ना? कौन सा डील? मम्मा भी आप डील बोलने का एक्टिंग मत करो। अरे आयु का आइडिया वाला। अरे कौन सा आइडिया? अरे मम्मा वही आपका बिजनेस आइडिया जिसमें आप ना स्वीट्स दिवाली के लिए ऑनलाइन सेल करोगे। अच्छा वो। हाँ ठीक है, आज पापा आएंगे ना तो मैं बात करती हूँ। लो पापा का नाम लिया और आ गए। 100 साल जिएंगे तुम्हारे पापा। मोला एक शैतान का नाम ले, शैतान हाजिर। हाँ मैं देखती हूँ। सुनिए जी। बोलो। मैं क्या सोच रही थी, मैं इस दिवाली पे ऑनलाइन मिठाई बेचूं। क्या कह रही हो तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं कम कमाता हूँ? नहीं नहीं नहीं। नहीं का मतलब क्या?
मुझे बुद्धू समझ के रखा। मेरा नाम खराब करना चाहती हो? अपनी कमाई से इस घर का खर्चा उठाओगी? अपनी औकात में लेकर बात करो। बस पापा। बेटा तू चुप रहे, तेरी माँ और मेरा मामला ये। नहीं पापा मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आप मम्मा से इसे बात नहीं कर सकते। देखा आज मेरी बेटी को भी इसने मेरे खिलाफ भड़का लिया। जाओ बेटा तुम अंदर जाओ, तुम्हारी माँ को तो मैं आज अच्छे से साबित से खाता हूँ। क्योंकि बड़गारी में था काम करेगी, काम करेगी, अब करी काम, बच्चों को बड़काएगी, बोल, बहुत बोल रही है, मन करने लगी तू, नहीं, 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 नहीं करना मुझे, नहीं करना, समझ में आया, अब अपनी औकात में रहना, आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, पार्टी का मजा खराब कर दिया। मम्मी आप पापा को छोड़ क्यों नहीं देते? आज देखो ना उन्होंने आपको कितना मारा। फिर से वही बात। मम्मा ये फिर से की बात है ही नहीं, आज उन्होंने कितना मारा, आज तो उन्होंने पूरी हद ही पार कर दी। मम्मा मेरी भी तो गलती है ना, मैंने उनसे फालतू में ही बात की, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी अपनी बिजनेस की। मम्मा पापा के लिए एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो, मम्मा अपनी आंखें खोलो तो अभी माफी भी नहीं मांगते आपसे, वो आपको बहुत ही बुरा ट्रीट करते हैं। मम्मा आप उन्हें छोड़ दो, हम अकेले नहीं है, हम ना पुलिस केस कर सकते हैं उन पे डोमेस्टिक वायलेंस पे, आई की भी फैमिली हमारे साथ, मम्मा आप उन्हें छोड़ सकते हो, हम अकेले बिल्कुल नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। नहीं मम्मा अगर कल कोई मुझे ऐसा ट्रीट करता तो आप मुझे क्या सलाह देते कि मैं उसके साथ ही रहूं, उसे छोड़ू ना? वो सब छोड़ो माँ, आज तो पापा सिर्फ आपको मार रहे हैं, कल जाकर उन्हें और गुस्सा आया और उन्हें अगर मुझे मारा तो आप मुझे क्या कहोगे कि मैं भी चुप ही रहूं? नहीं बेटा वो तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। मम्मा मुझे आपकी तरह घुट घुट के नहीं जीना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अब नहीं समझोगे, मैं जा रही हूँ। सीमा अनु कहाँ है? तुमने बिगाड़ के रख दिया उसको, रात में जाने की परमिशन तुमने क्यों दी उसको? आने दो उसको, मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये बताओ किससे पूछ के तुम भाग रही थी रात में? पापा हाथ छोड़ दर्द हो रहा है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अरे जाने दो ना, बच्ची है नीचे गई होगी। बच्ची है तो किससे पूछ गई? ऐसे नहीं मानेंगे। आज तो पापा सिर्फ आपको मार रहे हैं। कल जाकर उन्हें और गुस्सा आया और उन्हें अगर मुझे मारा तो आप मुझे क्या कहोगे कि मैं भी चुप ही रहूं? हाथ छोड़ो मेरी बेटी का। क्या बोली? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरी बेटी का। वाह तेरी जवानी चलने लगी। रुक। आज तक ना तूने अत्याचार किया और मैंने सहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे ऊपर अत्याचार किया और मैंने सहती रही, आज तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया जो मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। तुम्हें पता है ना एक औरत के अंदर काली भी छुपी होती है, तुमने अभी तक मेरा वो रूप देखा, आज तुम काली का रूप देखोगे, समझे? अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ।